हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी खस्ता हरी मेथी से बनने वाली ये टेस्टी मट्ठी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता बनती हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है बारीक बारीक। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश मेथी है। अब इसमें एक कप मैंने डाला है गेहूँ का आटा और एक कप मैंने डाला है मैदा भर के। बराबर मात्रा में मैंने दोनों चीज़ डाली हैं। अब डाल देंगे नमक। यहाँ पर मैं ये काला नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच देसी घी। ये देसी घी को मैंने पिघला लिया था, वो मैंने डाला है। आप चाहे तो डालडा डाल सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, पर जो देसी घी या डालडा से बहुत ही अच्छे से खस्ता हमारी मट्ठी बनती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी का ही यूज़ करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बहुत कम मात्रा में लगेगा क्योंकि हमारी जो मेथी है वो गीली है, तो वो भी मॉइस्चर छोड़ेगी। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका हम थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका हम डो लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह का थोड़ा सा टाइट ये डो मैंने रेडी कर लिया है। इसको अच्छे से मसल लेंगे, हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। आप मेथी इसमें चाहे तो कम भी रख सकते हैं। अगर आपको मेथी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप मेथी की मात्रा को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आटा मैंने पूरा अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इतना तक हम तेल को गरम कर लेंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल की और अब ये 10 मिनट बाद जो है मैं इसकी मठियां बना लूँगी। इसको मैं हाथों से ही बना लूँगी, आप चाहे तो बेलन से बना लीजिए। इस तरह से मैं छोटे छोटे बॉल्स ले लूँगी और उसको ऐसे हथेली से फ्लैट कर दूँगी। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको फ्लैट करके ये हमारी जो है मठ्ठी रेडी हो जाएंगी। इस तरह से ऐसे ही मैं सारे आटे से मठियां बना लूँगी। आप चाहे तो इन्हें बेलन की सहायता से और पतला भी बना सकते हैं। जितना भी आपको इसका साइज रखना है, मोटा या पतला, आप वैसे इसे बना लीजिए। और ये देखिए, मैंने सारी मठियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, हमें इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर तलना है। तो यहाँ पर ये देखिए, तेल थोड़ा सा गर्म है। जैसे ही हम मठियाँ इसमें डालेंगे तो तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है अपनी मठियों को। तो इस तरह से मैं ये सारी मठियाँ डाल दूंगी इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो यहाँ पर ये देखिए, मठियाँ जो हैं मैंने तलने के लिए डाल दी हैं। इनको फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें पलटते हुए फ्राई करना है, बीच बीच में चलाते रहें और पलटते रहें इनको। और ये देखिए, इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे और ये हमारी क्रिस्पी एकदम से खस्ता मट्ठी, मेथी मट्ठी रेडी हो गई है। अब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी और ये देखिए कितने अच्छे से इसका कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। आप इन त्योहारों पर इसको ज़रूर बनाइए और बनाकर आप इनको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप इनको झट से सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सारी मठियों को तल लूँगी और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे और ये लंबे टाइम तक चलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।